आपका फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत है। और आज हम लोग जो पिछली कक्षा में कहानी पढ़े थे उसे आज और आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में कौन सी कहानी पढ़ी थी? सेखी बाज मक्खी। तो आज आप लोग अपने रिमझिम तीसरा का दूसरा अध्याय निकालेंगे जिसका पन्ना नंबर है 9। तो आप लोग निकालिए पन्ना नंबर 9 और देखिए आगे इस कहानी में क्या कहा जा रहा है। शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो क्या है इस लाइन में? शेर आग बबूला हो उठा। तो आग बबूला का क्या अर्थ है? आग बबूला का अर्थ है गुस्सा होना। तो शेर क्या हो गया? बहुत ही गुस्सा हो गया। और वो मक्खी के ऊपर इतना गुस्सा हो गया, जब भी मक्खी उसके कान में बैठती तो वो पंजे से अपने कान को ही घायल कर लेता। फिर जब नाक पर वो बैठती तो वो नाक पर भी पंजे को मारता और खुद के नाक को घायल कर लेता है। उसके बाद देखिए, मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठ जाती है, कभी उसके गाल पर बैठ जाती है और कभी उसके गर्दन पर बैठ जाती है। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। शेर क्या चाहता है? शेर तो गुस्से में आ गया और वो मक्खी को मारना चाहता है, लेकिन वो मक्खी को जैसे ही मारना चाहता है मक्खी तो उड़ जाती है और वो अपने पंजों से ही खुद को घायल करता जाता है। वो उसके पंजे से ही उसकी नाक, गर्दन सब कुछ छिल जाती है। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, बस। फिर अंत में क्या होता है? शेर ऊब जाता है, फिर वो थक जाता है, वो उसको मार नहीं पाता मक्खी को। और क्या बोलता है? मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करेगा। तो क्या होता है? तो जब शेर हार मान जाता है तो मक्खी घमंड से चूर चूर हो जाती है और वो हाथी को बोलती है कि मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए हाथी अब तुम भी मुझे प्रणाम करो। प्रणाम का अर्थ है यहाँ नमस्ते करो। तब हाथी क्या सोचता है? हाथी सोचता है कि इस मक्खी से कौन बहस करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। वो उससे बहस नहीं करना चाहता था हाथी, और वो सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम करता है। फिर उसके बाद देखिए, सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर।
मैं जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया है। फिर सामने से एक लोमड़ी आती है और लोमड़ी ये सारी बातें सुनती और देखती है। वो मंद मंद मुस्कुराती है, मतलब धीरे धीरे मुस्कुराती है। तब मक्खी उससे बोलती है कि मैंने शेर को हराया और विशाल काय, मतलब जो हाथी क्या होता है बहुत बड़ा और विशाल होता है, उसको भी मैंने हरा दिया, इसलिए तुम भी मुझे प्रणाम करो। उसके बाद पृष्ठ संख्या 10 देखिए। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो ना। फिर क्या होता है, लोमड़ी क्या बोलती है मक्खी को कि मक्खी रानी धन्य हो, मतलब आप बहुत ही महान है, आपको पता है वहाँ एक मकड़ी है जो आपको गाली दे रही है। तब ये बात सुनकर मक्खी, यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। फिर मक्खी ये बात सुनकर मक्खी को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से लाल लाल हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी की तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। फिर उसे इतना गुस्सा आया और वो बोलती है कि मैं मकड़ी को चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। जैसे ही मक्खी मकड़ी को मारने के लिए जाती है, वो मक्खी के जाल में फंस जाती है। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, तो वो अधिक फंसती ही गई। वो बार बार मक्खी चाह रही थी कि मैं इस जाल से निकल जाऊं, लेकिन वो जितनी ही कोशिश करती है वो उतनी उस जाल में फंस जाती है। अंत में वो थक गई, हार गई। परेशान हो गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी और अंत में लोमड़ी हंसती हुई मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। और ये कहानी जिसने लिखा है, इस कहानीकार का नाम है योगेश जोशी।